गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एंजॉय करें। एक्सरसाइज क्यों करते हैं? अपनी बॉडी का टोन और मसल्स बिल्डअप करने के लिए। और एक्सरसाइज से हमारा जो ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी का वो इंक्रीज होता है, और ब्लड फ्लो से हमारी जो बॉडी होती है और हम मतलब अच्छा फील करते हैं और वो हेल्दी फील करते हैं। तो आज बात होने वाली है यस गाइस हमारी आईज साइड्स के बारे में, आईज की एक्सरसाइज के बारे में। या तो हर बॉडी के हर एक चीज़ की एक्सरसाइज होती है, जैसे पूरी बॉडी को टोन करने के लिए बॉडी की एक्सरसाइज होती है, फेस को टोन करने की फेशियल एक्सरसाइज होती है, और आंखों की आई साइट को भी इंक्रीज करने के लिए आईज की एक्सरसाइज होती है। आज आईज की एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। सो आईज की एक्सरसाइज करने से क्या होता है? आईज की एक्सरसाइज करने से जो आईज के जो मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और ब्लड फ्लो तो उसमें भी होता है तो वो भी इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है जो टिश्यूज होते हैं ना वो रिपेयर होते हैं। और जिनकी आई साइट्स वीक होती है ना, उन लोगों के लिए तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मैजिक है। आजकल के टाइम में ब्लू लाइट्स आ चुकी है, पॉल्यूशन इतना आ चुका है, और ब्लू लाइट के सामने आपको पता है हमारा स्क्रीन टाइमिंग कितना होता है। वर्क फ्रॉम होम आ चुका है आजकल, और घंटों घंटों हम बैठे रहते हैं स्क्रीन के ऊपर बिना पल के झपकाए, जो कि हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यस, आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा मतलब अचंभित हो गए आप कि पलके हम जब नहीं झपकाते हैं तो हमारी आइज़ ड्राई हो जाती है, और ड्राइनेस की वजह से वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से आइज़ थोड़ी थोड़ी वीक होती होती हमारी आई साइट भी वीक पड़ जाती है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की। जो भी मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ वो सबको सारी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि सारी की सारी एक्सरसाइज करोगे तभी आपके जो आइज़ की जो मसल्स होंगे उसके टिश्यूज़ जो रिपेयर होंगे और अच्छे से रिपेयर होंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है, इसमें से कोई ऐसा मत चुन लेना कि इसमें से कोई एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, नहीं, सारी की सारी आपको करनी है। जिम में आप सब अपनी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हो ना, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करते हो, तो आइज़ की एक्सरसाइज को हल्के में मत लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको नीड पड़ेगी एक पेन की, पेन या पेंसिल आप कोई भी ले सकते हो। और इसे करना क्या है आपको, मतलब अपने सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखना, और जैसे मैं बताऊंगी आपको सेम वैसा ही प्रोसीजर फॉलो करना है अपने साथ, अपनी आईज़ की एक्सरसाइज के साथ। तो इसको अपने सबसे पहले अपने पास लेना है, अपनी फोकस करना है इस पर, अब सिर्फ इस आपको इस पेन पे फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको इस पेन को अपनी आँखों की मतलब ऐसे वर्टिकल में लेना है, ऐसे सिर्फ जब पास आए तो बिल्कुल नाक के बीच में इस पर फोकस होना चाहिए, फिर दूर जब जाता है तो ऐसे फोकस होना चाहिए, ओके, ऐसे, फिर ऐसे, ओके। इससे आपके जो बॉडी के जो मसल्स हैं वो उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, और उस पर जब प्रेशर पड़ेगा ना तो मतलब ये होता है कि उससे आपके मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि आपके जो मसल्स हैं वो उनकी एक्सरसाइज हो रही होती है। और आपको ये दिन में कम से कम एक बार ही करना है, 10 टाइम से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। सबसे पहले मैट लेना है, उसके ऊपर पद्मासन में बैठना है। पद्मासन की फोटो मैं साइड में आपको शो कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। पद्मासन में बैठ के आपको क्या करना है, आपको अपनी आइज को एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज रोटेट करना है, सिर्फ बस इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये है। इसे आप 10 टाइम्स और 10 टाइम्स एंटी क्लॉक और 10 टाइम्स क्लॉकवाइज कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आता है कि आपको अपनी पलकों को 20 टाइम्स बिना रुके झपकाना है। इससे क्या होगा, एक्चुअली जब हम ब्लू लाइट पे मतलब लैपटॉप्स वगैरह पे या फिर फ़ोन की स्क्रीन पे जब हम बिना पलके झपकाए बैठते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी आंखों में डिहाइड्रेशन की दिक्कत आ जाती है, और इससे भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, ईचिंग की दिक्कत आ जाती है, रेड आँखें रेड हो जाती है हमारी, और स्ट्रेन पड़ता है। जब आइज़ पर स्ट्रेन पड़ता है तो ऑब्वियसली बात है ब्रेन पर भी इसका स्ट्रेन पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ज़्यादा देर तक काम करते हैं और बिना पल के झपकाए काम करते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, 20 टाइम्स सबसे स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ, 20 टाइम्स आपको बिना पल के बिना रुके आपको पल के ऐसे ऐसे झपकानी है। उसके बाद अपने आप रिलैक्स हो जाइए, आँखों को बंद कर लीजिए, हो सकेगा आप अपने पाम को रब करके अपनी आइज़ पर रख सकते हैं, इससे आपको आराम फील होगा। ध्यान रखिए 20 टाइम्स से ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप मिनिमम करेंगे जिससे कि आपकी आंखों की मसल्स को इसकी आदत लगेगी एक्सरसाइज की। एकदम से करोगे तो आपकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाएगा और इससे आपकी आंखें दर्द भी हो सकती हैं। तो धीरे धीरे आप मिनिमम से मैक्सिमाइज कीजिए। तो ये सबसे लास्ट और फोर्थ वाली एक्सरसाइज अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली ये थोड़ी सी टफ है लेकिन आपको करनी है अगर आपकी आप अपनी आंखों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग चाहते हो, क्योंकि कोई भी जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हो बॉडी को टोन में लाने के लिए तो वो एक्सरसाइज आप करते हो बिना डरे कि आपको दर्द होगा या नहीं होगा। तो वैसे ही आपको आइज के मसल्स के लिए भी करना है। आपकी बॉडी के जैसे सिक्स पैक बनता है वैसे आपके आइज के सिक्स पैक नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन आपके जो आइज की जो देखने की पावर है, उसकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो गए और आप
आपके जो आईसाइट जो वीक होने की दिक्कत होती है ना वो नहीं होगी। सो गाइस अब लास्ट एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। लास्ट एक्सरसाइज नंबर 4th पे आती है, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ है। इसमें आपकी जो आईज की मसल्स है और आपकी जो आईज है वो डिटॉक्स होने वाली है। वो कैसे डिटॉक्स होगी वो इस एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी। तो इसमें आपको करना क्या है, 5 मिनट तक सामने वाली दूर थोड़ी सी दूर चीज़ें होनी चाहिए उसको आपको घूरना है। किसी चीज़ को घूरना है, किसी और को मत घूर देना, चीज़ को घूरना है। और चीज़ को घूरते हुए आपके साथ क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप एक से मतलब थोड़ी सी अपनी टाइमिंग को बढ़ाओगे, थोड़ा बिना पल के झपकाए, तो बिना पल के झपकाए क्या होता है आपको पता है, आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो आंसू क्या होते हैं, उससे आपकी जो आइज़ है वो क्लीन हो रही होती है। तो उसको क्लीन होने देना है, अपने आपको पुश करना है कि आप 5 मिनट तक कर सको। कोई इशू नहीं है अगर आप 5 मिनट तक नहीं पहुंच पाते, आप 1 मिनट कीजिए, 1 से 1.5 मिनट कीजिए, खुद को पुश कीजिए। एकदम से नहीं होगा आई नो, लेकिन हाँ धीरे धीरे पुश करते करते ना आपका 5 मिनट कम कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। इससे जब इस एक्सरसाइज को आप करोगे ना खुद खुद भी रिजल्ट्स विजिबल करोगे कि आपकी आइज़ की जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई है, ये आपको डेली रूटीन में करनी है। ये 15-20 मिनट से भी कम की एक्सरसाइज है अगर आप करोगे तो, और बहुत ही अच्छी है। इससे आपकी आंखों को रिलैक्स मिलेगा। अगर आपका स्क्रीन टाइमिंग का काम ज़्यादा है, ऐसी जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे आपको घंटों घंटों स्क्रीन पे बिताने पड़ते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी आईज है तभी वो काम आप कर पा रहे हो, और आपकी आईज आपको अपनी आईज़ को हेल्दी रखना और मतलब अच्छा रखना वो आपके हाथ में है। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है प्लीज़ डेली रूटीन में करना स्टार्ट कर दीजिए। गाइज अब बात आ जाती है डाइट के बारे में। सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, डाइट भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ये तो आपको पता ही होगा। जो लोग जिम जाते हैं वहाँ पर लोग एक्सरसाइज भी करते हैं प्लस डाइट तो उनके लिए मैंडेटरी होता है। बिकॉज क्या होता है, 80% डाइट का रोल होता है और 20% एक्सरसाइज का रोल होता है, लेकिन 20% प्लस 80% मिला के ही 100% होता है। तो ना आपको 80% स्किप करना है, ना ही आपको 20% स्किप करना है, तो दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 80% की बात कर लेते हैं, क्योंकि 20% की बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कर ली थी, वो है एक्सरसाइज के बारे में। तो 80% के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है डाइट। तो आपको डाइट में क्या लेना है, आपको डाइट में लेना है विटामिन सी रिच फ्रूट्स लेने हैं, जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं और एक कंप्लीट फ्रूट्स माने जाते हैं। और आप घी ले सकते हो, मक्खन ले सकते हो, और जो फैट्स वगैरह आते हैं ना, और घी मक्खन में फैट्स होता है और अच्छे वाले फैट्स होते हैं, तो ये आपको लेने हैं। प्लस आप कैरेट का जूस ले सकते हो और आंवला ले सकते हो, मैंगो आता है, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप ले सकते हो एक्चुअली। और आप क्या कर सकते हो, पालक और गाजर का जूस होता है ना, उसे मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार लोगे ना, तो आप, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, आपकी आईज़ जो साइट की जो इम्प्रूवमेंट है ना वो आप खुद विजिबल करोगे। इससे मतलब क्या होगा ना, आपकी आई साइट भी इम्प्रूव होगी और आपकी आईज़ में जो भी दर्द वगैरह रहता है, स्टेन वगैरह रहता है, जैसे कि कई लोगों को दिक्कत होती है आईज़ में पेन होने की और डिहाइड्रेशन की दिक्कत होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्या होता है आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, मतलब इतनी बन चुकी है कि ना हम सबसे ज़्यादा मतलब स्क्रीन के गुलाम हो चुके हैं, अपनी डाइट पे ही फोकस नहीं हो पाता। 3 टाइम का खाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये सबको पता है, लेकिन 3 टाइम खाता कौन कौन है ये किसी को नहीं पता है। तो ये जो डाइट है ना, थोड़ी थोड़ी जो मील वाली डाइट है वो मैंने आपको जो बताई है, फ्रूट्स वाली और जो जूस वाली है, ये आप लीजिए। इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, ये आपकी आईज की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइस एट द एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एट द एंड मतलब एंड में आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और मुझे पता है कि आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में कोई भी मतलब आपके सर्कल में ऐसा हो जिसे मतलब आईज की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, आईज की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि मतलब वो अपनी आई सेट कैसे इंप्रूव कर सके और अपनी आई से जुड़ी हुई दिक्कतें जो उसको हो रही है वो कैसे दूर कर सके, उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और आई नो हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, तो प्लीज़ गाइज हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।